गाना बजाना करते हैं। अभी ना 6 महीने पहले मेरे भैया होती थी मेरी जेठ जेठानी को लड़का हुआ है, तो उस टाइम तो मम्मी पापा कनाडा में थे इसलिए उस टाइम पे कुछ नहीं कर पाए थे। प्रोग्राम तो उस टाइम भी करा था बट मम्मी पापा नहीं थे, तो ये जो डूम वगैरह होते हैं जो ये ढोलकी बजा के डांस करते हैं गीत गाते हैं उस टाइम ये सब नहीं हुआ था, तो इसलिए वो अब मम्मी पापा के आने के बाद आज आए हैं और खास सब लोग डांस कर रहे हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी डांस। और ये मेरी मम्मी यहाँ पे डांस कर रही है, ये देखो कैसे अच्छा डांस कर लेती है मम्मी। मम्मी जहाँ भी कहीं अड़ोस पड़ोस मेरी गीत में जाती है गीतों में, तो वहाँ पे भी मम्मी ऐसे डांस करती है, देखो कैसे घूम घूम कर नाच रही है। अभी तो वैसे सारी चाची और ताई वगैरह आई भी डांस करने के लिए, देखो भी आप। देखो देखो कैसे घूम घूम करते हैं डांस। ये सबसे छोटी है, ये सबसे छोटी तो है, छोटे से बड़े वाले चाचा की वाइफ है। ये अभी जिनको उठाया मम्मी ने, ये भी चाची है बट ये मेरी बुआ लगती है, ये मेरी बुआ अंदर है, हम दोनों का सेम सरनेम है तो मैं उनको बुआ बोलती हूँ। और मम्मी ताई जी को उठा लिया, सब सारी दौरानी जेठानी है मिलकर डांस कर रही है यहाँ पे। ये आई ताई जी हमारी, ये हो गया इनका डांस स्टार्ट। कंपटीशन चल रहा है कि मैं सारी देवरानी दिखानी है मेरे। ये देख पता है कैसे ठुमक ठुमक के घूम घूम के नाच रही है, देखो। उनको पता है वीडियो बन रही है इसलिए वो वीडियो की साइड ऐसे मतलब एक्ट कर रही है कि भाई देखो मैं कैसे डांस कर रही हूँ। आगे सारी अब चाची आई है फिर डांस करने के लिए, देख लो इनका डांस। सोलो डांस भी कर रही है, कभी कभी ग्रुप डांस कर रहे हैं, ये कॉम्पिटिशन वाला। आ चुकी हैं सारी लेडीज और मम्मी और चाची और ने खूब डांस किया, और वो जो ढोलकी बजा रहे थे, और डांस तो वैसे मैंने भी किया था बट उस टाइम पे मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि भाई वीडियो भी बनानी है, और मैंने किसी को फ़ोन ही नहीं दिया वीडियो बनाने के लिए। बट जब मम्मी और ने डांस किया तो फिर मैंने अपने आप से फ़ोन लेके वीडियो बना ली थी, और मेरे डांस का इसलिए नहीं बन पाया। वैसे भी मुझे डांस कुछ खास आता नहीं है बट मम्मी ने बोला कि बेटा थोड़ा सा नाच ले, तो फिर थोड़ा सा नाच ली थी मैं, बट वीडियो नहीं बनाई किसी ने, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए कोई चाहिए था मुझे, और फिर मैं वीडियो किससे बनवाती, इसलिए मेरे डांस का वीडियो कैप्चर नहीं हो पाया, सो सॉरी। और मम्मी और का हुआ है तो वो इस मैं आपको दिखा ही रही हूँ इसमें वीडियो में। और आज फिर बाहर बारिश का मौसम हो रहा है, मतलब चलो ठीक है बारिश नहीं आनी चाहिए, किसानों के लिए खराब है, फसल खराब होती है, बट जैसा मौसम है अच्छा ठंडा ठंडा सा, वो मौसम मुझे थोड़ा ठीक लगता है। बस बारिश नहीं मुझे अच्छी लगती, ठीक मौसम ठंडा ठंडा ठीक लगता है, क्योंकि जिसमें ना ज़्यादा ठंड होती है और ना ज़्यादा गर्मी होती है, मीडियम सा जो होता है वो मुझे ठीक अच्छा लगता है। और अभी बज गए 5 और मैं कर रही हूँ निशान का वेट, मैं पूछती हूँ उनसे वो कितनी देर में आएंगे। और वैसे तो अभी वो आए थे दोपहर में, 1-2 बजे के करीब आए थे, क्योंकि हमें कहीं बाहर से जाना था काम से, तो हम लोग बाहर गए थे, और वहाँ से आने के बाद फिर मम्मी ने बताया था भाई यहाँ पे गीत गा रहे हैं, तो तब वहाँ से आने के बाद मैंने इन लोगों को ज्वाइन किया था, नहीं तो मुझे काम था तो मैं बाहर गई थी 1.5 घंटे के लिए। और अब मैं पूछ लेती हूँ उनसे कि भाई अब उनको कितना टाइम लगेगा वापस आने में, और मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। वैसे मैं पूछ लेती हूँ कितनी देर में आएंगे, कहीं बाहर का प्रोग्राम अगर होगा तो मैं अभी नहीं चेंज करती, और अगर नहीं कोई प्रोग्राम होगा तो फिर मैं चेंज कर लेती हूँ अपने कपड़े। ओके हो गई है शाम, और मम्मी का आज फास्ट है, और ये मम्मी बैठ के ऑरेंज खा रही है देख लो, और अभी मम्मी ने ठुमके मार मार के डांस करा था। बनाया था वो वाला मैंने आपका,
जब आप नाचे थे ना जब बनाया था मेरे वाला नहीं आ, मेरा आपने बनाया ही नहीं जब मैं नाचा फिर ये ना कौन सी लोग है ना हाँ। ना पूरे तो बात पाए ना नु कहते नहीं ना आज मारे ये ना करिए फिर मैंने तो नू ही नहीं फिर अब सॉरी अब मैं तो मेरा तो डांस आपको दिखेगा नहीं क्योंकि मेरी तो मम्मी ने वीडियो बनाई नहीं, मम्मी का मैं आपको दिखा दूंगी क्योंकि मम्मी की वीडियो मैंने बना ली थी डांस की। और आज मम्मी का फास्ट है, क्लास का क्लास है ना मम्मी, आज क्लास है बता दिया था मैंने, सारी चाची ताई नाच रही थी। और ये हमारी मम्मी है ना ये इतने फास्ट करती है, इस उम्र में भी पता नहीं इनको क्या चाहिए, कभी ग्यास का कभी अमावस का कभी पता नहीं किस चीज का। मैं मना करती हूँ भाई, अभी इतनी इस उम्र में इतने फास्ट करने की जरूरत नहीं है, फिर भी पता नहीं ना बेटा आज मेरा ग्यास का व्रत है ना बेटा आज मेरा अमावस का व्रत है, इतने फास्ट करती है मम्मी हर टाइम। और फिर मम्मी की तबीयत खराब होती है क्योंकि सारा दिन खाती नहीं, वो एसिडिटी बन जाती है और फिर शाम को मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है, फिर भी मानती नहीं कि ना मैं तो करूंगी मैं तो करूंगी, इतनी भगत नहीं हमारी मम्मी इतनी भगत मम्मी हमारी देख लो माँ अपने बच्चों के लिए कितना करती है और फिर भी माँ बच्चे अपने माँ बाप के साथ लड़ते रहते हैं। वैसे तो हम भी लड़ लेते हैं कभी कभी, पर फिर हम ऐसे ही बोल पड़ते हैं क्योंकि माँ बाप और बच्चों की तो ऐसे खटपट होती रहती है, फिर ज़्यादा इस चीज़ को हम दिल पे नहीं लगाते, भाई मैं भी बोल पड़ती हूँ मम्मी भी बोल पड़ती है, ऐसे तो चलता ही रहता है। हाँ हाँ हम ऐसे प्यार वाले लड़ते हैं भाई, कोई बात होगी मम्मी ने बोल दिया फिर बाद में मैंने सॉरी बोल दिया, मेरी कुछ बात होगी फिर मम्मी, हम मतलब ऐसे बोल पड़ते हैं। वो सास बहू नहीं है भाई, सास को गंदी गंदी गालियाँ देती है जो बहू है, या सास जो बहू को गंदी गंदी गालियाँ देती है, हम वैसे सास बहू नहीं है हम, वो जैसे माँ बेटी में लड़ाई हो जाती है ना वैसे हो जाती है हमारी, फिर हम लेकिन बोल पड़ते हैं अपने आप से, है ना मम्मी। हाँ ऐसे तो अच्छी है मेरी मम्मी, मैं नहीं खाती। हेलो कर दे विशाल, फोन आ रहा है तेरे पास, कोई नहीं फिर वो मेरे पास मेरी होगी बात उनसे तो अभी थोड़ी देर में कर लेना। हेलो कर दे, अरे नू बता तू कभी फोन बिठाया करे, तेरे द्वारा कितने फोन कर लिए, जिम में था ड्रॉअर में रखा था फोन, तेरे द्वारा जब भी फोन करे तू कद को नहीं उठाता, म्यूजिक की आवाज में सुना नहीं था, जिम में ड्रॉअर में रखा था। अच्छा ये इसके पास है ना, कभी भी फोन कर लो ये फोन नहीं उठाता, और फिर आधे घंटे बाद 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद इसका फोन आएगा। हाँ भाभी आप क्या कह रहे थे अभी मैंने थोड़ी देर पहले, और ये देख लो कहाँ है, आ जा नीचे आ जा, ये देख लो ये देख लो, ये मैंने बताया था जो हमारे ऊपर एंड पे रहते हैं, ये हमारी वो गुड़िया प्यारी सी आज फर्स्ट टाइम व्लॉग में आई है, एक ये ऊपर खड़ी रिया, मेरे को जब भी कुछ काम होता है ना तो मैं इसको बुला लेती हूँ और नीचे भेजने के लिए ये भाग के दुकान पे जाती है, मेरा सामान लेके आती है भाग भाग के, तो मतलब सब लोग इतने अच्छे हैं। दो तीन दिन के बाद आज मौसम थोड़ा अभी ठीक हुआ, बल्कि अभी भी बारिश का मौसम ही है तो कपड़े बहुत गंदे हुए पड़े थे, एक बारी के तो कपड़े सुबह सुखा दिए थे तो वो धूप में सूख गए थे, फिर अभी और कपड़े धो रखे थे तो और कपड़े अभी सुखाए हैं धो के, बट ये देखो मम्मी कर रही है फ़ोन पे बात, और बारिश का मौसम था इस वजह से कपड़े धोने में मतलब में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मशीन तो अपने आप कपड़े धो देती है, ऑटोमेटिक मशीन जो होती है, बट बाहर सुखाने की प्रॉब्लम हो जाती है, बाहर तार पे जब कपड़े डालते और बारिश आ रही होती है तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं होता, तो इसलिए कपड़े धोने में कोई फ़ायदा नहीं होता बारिश के मौसम में, तो इसलिए अभी कपड़े धोए थे सुखाए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा हुए पड़े थे, और अभी कम से कम 6:30 का टाइम हो गया है शायद, निशान अभी आए नहीं है, वो बोल रहे थे उनको आने में थोड़ा टाइम लगेगा, वो कहीं गए हुए काम से, और अब और थोड़ी देर में मैं खाना बनाऊंगी, खाने की प्रिपरेशन कर लूँगी, मम्मी का तो आज फास्ट है, मम्मी ने तो कुछ खाना नहीं है, और सब्जी मैंने सुबह बनाई थी दाल की सब्जी, और अभी वो सब्जी रखी हुई है तो उसी से काम चल जाएगा, अब बस मम्मी, अब मम्मी ने तो खाना नहीं है, पापा के लिए बनाना है और निशान के लिए बनाना है और अपने लिए बस, और गुड़िया तो दाल ही खा लेगी, गुड़िया को भी कोल्ड हुआ पड़ा है और मुझे भी कोल्ड हुआ पड़ा है, तो फिर जब निशान आएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी और खाना खुना बना लूंगी और फिर मैं भी हो जाऊंगी और फिर लड्डू आ जाएगी तो मैं आपको दिखा दूंगी।
कि ये मेरी बेटी आ गई है और सो भी गई है। और इसी के साथ आज के व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।